हेलो स्टूडेंट, आपको इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका वेलकम है। ठीक है स्टूडेंट, आज हम लोग एसएससी सीजीएल 2019 जो कि आपको मार्च में अप्रोक्स 18 शिफ्ट में एग्जाम हुआ था। ठीक है, हम ये टोटल 18 शिफ्ट का जो प्रतिशत का क्वेश्चन है उसका एक जगह अलग करके उसको कंपाइल बना के आप लोग के लिए पूरा लाने। ठीक है, ये एसएससी सीजीएल 2019 में जितने सारे प्रतिशत के सवाल आप लोग के आए हैं, ठीक है, जितने सारे आपको ये प्रतिशत क्वेश्चन आप लोग के एग्जाम में आए हुए हैं, ये सारे हम आप लोग को यहाँ पे एक कलेक्शन लिए। ठीक है, देखिए इसका दो पार्ट आएगा। एक ये आप लोग का पहला पार्ट है जिसमें आपको एसएससी सीजीएल का प्रतिशत क्वेश्चन रहेगा, एक और पार्ट आएगा जिसमें आपका प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं एसएससी सीजीएल 2019 का सारे प्रतिशत का क्वेश्चन। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ ध्यान से देखिएगा। देखिए पहला क्वेश्चन जो यहाँ आप लोगों को बताया गया है थोड़ा सा जूम कहाँ, ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन क्या, आयत की लंबाई 40% बढ़ा दें और चौड़ाई में अगर 20% कम कर दें तो आयत का एरिया क्या होगा। देखिए समझिएगा, अगर आपको थोड़ा पता होगा तो आयत की लंबाई में 40 बढ़ा दें और चौड़ाई में 20 कम कर दें। देखिए एक होता है सक्सेसिव इंक्रीज और सक्सेसिव डिक्रीज का फॉर्मूला। ठीक है, तो सक्सेसिव इंक्रीज डिक्रीज क्या होता है फॉर्मूला समझा, देखिए एक बार लिख दे रहे हैं यहाँ पे क्या होता है, एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटा 100, ये होता है इसका फॉर्मूला। तो जैसा जैसा आपको ये डाटा दिया रहेगा हम लोग वैसे वैसे काम करेंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले जो मेरा डाटा दिया हुआ है क्या लिखा, आयत की लंबाई 40 बढ़ा दिया गया। ठीक है, तो अगर 40 बढ़ा तो पहले प्लस 40 कीजिए, फिर 20 कम किया, माइनस क्या कीजिए 20, तो प्लस माइनस क्या होगा, माइनस 40 × 20 बट्टा कितना 100, डबल जीरो कैंसिल, डबल जीरो कैंसिल, 40 में 20 गया तो प्लस 20, एक सेकेंड सॉरी, ठीक है प्लस 40 और माइनस 20, तो यहाँ पे आ जाएगा हम लोग का प्लस 20। उसके बाद देखिए 4 × 8 माइनस कितना 8, इट मीन्स कितना आ गया, देखिए 20 में आप लोग यहाँ कितना दिया हुआ था 20 था, ठीक है 20 में 8 चला कितना बचा आप लोग, ये 12%, मतलब ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा आप लोग का, डी। क्वेश्चन क्या था, आयत की लंबाई 40 बढ़ा दी, देखिए अगर ये था आप लोग, देखिए ये 40 हम बढ़ा दिए, ठीक है, उसके बाद क्या किया 20 कम कर दिया, उसके बाद हम क्या किए, उसके हम 20% को हम क्या किए यहाँ पे, 20% को हम यहाँ पे कम कर दिए। ठीक है, तो अगर इस टाइप का कभी भी आपके पास क्वेश्चन है तो आज हमेशा एक ही फॉर्मूला लगाइए, सक्सेसिव इंक्रीज और सक्सेसिव डिक्रीज का। ठीक है, तो जैसा जैसा डाटा बोलेगा, जैसे यहाँ पहले बोला था वो प्लस एक्स, तो हम क्या किए प्लस एक्स किए, फिर क्या किए माइनस वाई किए, ठीक है प्लस माइनस माइनस हुआ एक्स इंटू वाई और बटा क्या किए, सो कितना आंसर आ गया मेरा 12%। ठीक है, चलिए आते हैं अगला क्वेश्चन को। देखिए अगला जो क्वेश्चन यहाँ आप लोग के लिए है, देखिए ये क्वेश्चन आप लोग को हम एसएससी सीजीएल का 3 मार्च का जो थर्ड शिफ्ट का सोल्यूशन बताएं उसमें भी आपको ये, ठीक है थोड़ा हिंदी में यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम आ गया लेकिन आप लोग समझिए, ठीक है क्या है क्वेश्चन समझा रहे। ठीक है, देखिए द डिफरेंस बिटवीन 62% एंड 80% द कितना अमाउंट आपको दिया हुआ 198, आपको बताना है बताइए डिफरेंस बिटवीन किसका 92% एंड 56%। देखिए समझिएगा, अगर 62% ठीक है और 80% का अगर हम लोग डिफरेंस निकालते हैं दोनों का, तो मेरा जो दोनों का जो डिफरेंस आ जाएगा ये 18% आएगा, 18% बराबर क्वेश्चन में आपको 198, तो 1% आपको 198 बटा कितना हो जाएगा 18, आपसे टोटल नहीं पूछा, आपसे पूछा 92% 56% का अंतर, तो 92 - 56 कितना 92 और माइनस कितना 56 कितना 36। ठीक है, तो 36 × 16 = 96 कितना 396, और ऑप्शन नंबर कौन सा यहाँ पे आप लोग आया 396 ऑप्शन नंबर बी। चले आते हैं अगला क्वेश्चन में। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 को, 3 में क्या बताया गया है कि सोनू, देखिए 3 को समझिएगा, थोड़ा सा हिंदी में यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक हो गया लेकिन क्वेश्चन समझा रहे आप लोगों को। ठीक है, क्वेश्चन क्या है कि सोनू से 15% हर इनकम, ठीक है इंक्रीज, और 20% एंड स्टिल सेव सेम अमाउंट एज बिफोर, देन व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज हर एक्सपेंडिचर। देखिए क्या है, क्या सोनू जो है सो, देखिए सोनू जो है सो उनका इनकम जो है सो समझिएगा, उसका जो इनकम है वो 100 रुपये समझिएगा, ठीक है 100 रुपये मगर 15 रुपये बचा रहा है तो खर्चा कितना करे वो 50 रुपये का, अब इनकम हो गया इसका बढ़ के कितना जानते हैं 20 बढ़ गया यानी 120 हो गया, लेकिन खर्चा बोला मेरा वही है, खर्चा में कोई चेंजिंग नहीं आया मतलब समझे सॉरी सेविंग मेरा वही करे, मतलब वही 15 का 15 ही सेविंग करे, मतलब आप जो खर्चा करे कितना खर्चा करे 105 रुपये खर्चा करे, जहाँ पहले 85 करता था 105 करे, तो आपसे यही पूछा कि बताइए खर्चा में देखिए इंक्रीज कितने प्रतिशत हुआ एक्सपेंडिचर में। ठीक है, तो 85 का 120 हो गया, इसमें कितना 20 हो गया बटा कितना हो गया 85, गुना कितना कर देंगे हम लोग यहाँ पे
सो द कार्डकोट डिजाइन 23 पॉइंट कितना प्रतिशत, 5%, 23.5। और ऑप्शन नंबर कौन सा आएगा, ये बी नंबर का, ठीक है। चलिए समझिए अगला क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन फोर में क्या बताया, देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फोर समझिएगा ध्यान से, देखिए इसको हम अच्छे से बता रहे हैं आप लोग को। क्वेश्चन क्या है कि ए बी सी एक चैरिटेबल का ट्रस्ट में 8%, 7%, 9% अपने सैलरी का दान किया। देखिए ये क्या जानते, ये दान करना, ठीक है, थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया, ठीक है। ए और बी का क्षेत्र का जो वेतन समान है, ठीक है, ए और बी का जो इन दोनों सैलरी दोनों का, ए और बी का सैलरी दोनों क्या, ए और बी का दोनों का सैलरी इक्वल है, ठीक है। आगे क्या लिखा हुआ है, और उसके बाद लिखा हुआ है जो, देखिए उसके बाद देखिए थोड़ा इंग्लिश को पढ़ना होगा क्योंकि हिंदी में थोड़ा मिस्टेक हो गया। और उन लोग जो अंतर है जो ए और बी का, ये ए और बी होगा, ठीक है, 259 रुपये का, ठीक है। तो ए और बी के बीच का ये 1% वो लिखा हुआ, देखिए इंग्लिश में लिखा हुआ, थोड़ा एक सेकंड वेट कीजिएगा। दहा देखिए ऑफ 1185 रुपया इस 259, ठीक है, द डिफरेंस बिटवीन कितना 259, ठीक है, देखिए इंग्लिश में 259। तो आपसे पूछा ए और बी का कुल से 1185 रुपया का अधिक है, किसका जानते हैं, सी का। तो हमसे देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन देखिए यहाँ लिखा हुआ है, क्वेश्चन बताना है आप लोग को कि ए और सी का जो कुल, देखिए ए और सी का कुल क्या निकालना है यहाँ पे, एक सेकेंड, हाँ, ए एंड सी का व्हाट इज द प्रतिशत ऑफ टोटल सैलरी ऑफ ए बी सी, ठीक है, ए बी सी का बताना। देखिए समझिएगा यहाँ पे कितने लोग हैं, तीन लोग हैं, ठीक है, कितने लोग हैं, तीन लोग हैं, ए बी और कितने सी, इन लोगों जो खर्चा किया कितना किया, 8, ये 7 किया और कितना किया, 9। देखिए 8 और 7 किए लेकिन दोनों का प्रतिशत इक्वल है, ये तीनों प्रति के, तो इन लोग अंतर कितना, 1। अगर 1% बराबर क्वेश्चन में मेरा दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 259, समझिएगा 259। तो यहाँ समझिएगा ए बी और सी अगर एक बराबर इतना है तो 100 बराबर कितना हो जाएगा, ये 25,900 रुपया हो जाएगा, ए का सैलरी, बी का भी सैलरी 25,900 रुपया हो जाएगा, ठीक है। आगे क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ था मेरा कि सी का जो है, सो सी का इन दोनों कितना खर्चा किया, देखिए 25,000 का 25,800 15%, 25,000 15% अगर हम निकालते हैं तो 3,885 आ जाएगा, ठीक है। सी का जो यहाँ बताया गया, सी के बारे में किससे अधिक है, कितना, 1185 अधिक है। चलिए इसमें 1100 अगर हम लोग 1150 हटा देंगे तो 2700 रुपये सी का आ जाएगा। तो 9% बराबर 2700, समझिएगा 9% बराबर 2700 रुपया, तो 1% 3 यानी कितना सी का कितना आ गया यहाँ पे, 30,000 रुपये आ गया। क्वेश्चन हमसे ये पूछा गया था, बताइए ए और बी किसका, क्वेश्चन हमसे ये पूछा गया ए और बी जो दान किया गया था, सॉरी ए और सी का टोटल ए बी सी सैलरी कितना प्रतिशत है। तो ए जो दान किया था कितना किया था, ए किया था 25,000 का, कितना किया था, 25,000 का दान किया था, ए दान किया था 25,000 का 8%, कितना, 25,000 का 7%, सॉरी 7%। तो 25,000 का 7% अगर बात कीजिएगा तो 2,072 रुपया डबल, हाँ, ठीक है। उसका सी कितना किया, 2700 रुपया दान किया, कितना किया सी, 2700। तो कुल मिला जो दान हुआ इन लोग का 4,772 रुपया दान हो गया टोटल सैलरी का, 30, 25, 25 पे 50, 50,000, 900, 50,000, 981,800 रुपये टोटल सैलरी हो गया। अब गुना 100 काट कुट दीजिएगा तो मेरे को नहीं आ जाएगा कितना जानते, ये आ जाएगा 8,60,6.5, ये 5.8%, यानी कितना हो जाए 5.8। देखिए समझिए क्वेश्चन समझाने अच्छा से, देखिए क्या लिखा गया कि ए बी सी है, ए बी और सी 8, 7 और 9% ना दान करता है, ठीक है। तो आगे क्या हुआ, दोनों का प्रतिशत कितना, 1% बराबर दिया 5, 2, 2, 5, 9 दिया हुआ, ठीक है। और दोनों का इनकम बराबर है, एक बराबर इतना, तो 100 बराबर कितना हो जाएगा, 25,900, 25,900। और सी का निकालें किससे, क्वेश्चन से, ताकि 3,000। क्वेश्चन ये था ए और सी कितना दान किया, 4,772 रुपया टोटल सैलरी का कितना प्रतिशत था, ठीक है। चलिए आते हैं अगला क्वेश्चन में, ये था क्वेश्चन नंबर 4। आप तो शायद दिखने में प्रॉब्लम हो रहा है, हम तो हट जाते हैं, आप प्रश्न से ले लीजिए, ठीक है। देखिए यहाँ पे ये क्वेश्चन 4 समझाते हैं आप लोग को। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। देखिए क्वेश्चन 5 में क्या बताया गया है, ध्यान समझिएगा। क्वेश्चन 5 में लिखा हुआ है क्या कि एक परीक्षा में जो था वो कुल 500 नंबर का था, ठीक है। इन एग्जामिनेशन विच इज द फुल मार्क्स ऑफ 500, ए स्कोर 25% मोर देन बी, बी स्कोर 60% मोर देन सी, और सी स्कोर 20% मोर देन डी, ठीक है। अगर ए 80% लाता है तो आपसे क्वेश्चन ये पूछा गया था, बताइए अगर यहाँ पे 80% ला रहा है तो डी का प्रतिशत है क्या होगा। देखिए डी का प्रतिशत पूछा गया, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले 4 लोग हैं, कितने लोग हैं, 4 लोग हैं, ए बी सी और कितने डी।
तो देखिए समझिएगा, हर एक दूसरे तुलना में कुछ ना कुछ अधिक लाए, ठीक है। अगर ये 400 लाए, समझिएगा क्वेश्चन ये लिखा हुआ 80%, अगर ये 400 लाए, कितना लाया है 400। देखिए क्वेश्चन क्या है, पहला लाइन हम पढ़ते हैं कि ए स्कोर 20% मोर देन बी, ए स्कोर 20% मोर देन बी। अगर ये 100 ला रहा है, समझिए अगर ये 100 ला रहा है तो 125 लाएगा, अगर ये 100% तो 125%, 425 के बराबर 100 बराबर कितना, तो ये कितना आ जाएगा 320। आगे क्या लिखा हुआ है, 60% मोर देन 80। फिर सी जो है 100, जो सी जो है इसके बाद लिखा हुआ बी स्कोर 60% मोर देन सी। देखिए अगर ये आप ये 100 ला रहे हैं तो ये 160% ला रहे हैं, अगर ये 100 है, समझिए अगर ये 100 है तो 160% है, तो ये अगर देखिए 320 अगर 160 के बराबर 100 बराबर कितना हो जाएगा, आप लोग के लिए कितना हो जाएगा, ये 200 मार्क्स हो जाएगा। आगे लिखा हुआ है सी स्कोर 20% लेस देन डी, देखिए इससे का कितना है 20 कम है, यानी 20 कम है, चल कितना यहाँ पे कितना हो जाएगा 50, 200 कितना हो जाएगा आप लोग का यहाँ पे 50। तो क्वेश्चन से ये पूछा गया था, बताइए डी का प्रतिशत, तो डी कुल मिला कितना लाए, डी कुल मिला के 250 आउट ऑफ कितना में 500 में, तो 100 में कितना, तो 2 टाइम है 2 से कितना बना, ये 50%, मतलब इसका जो ऑप्शन होगा कितना प्रतिशत होगा, ये 50% का, ठीक है। चलिए आते हैं अगला क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, ठीक है। 6 में क्या लिखा हुआ है कि इफ द रेडियस ऑफ ए रेट ऑफ रेट सिलेंडर इज कितना, सॉरी हाँ डिक्रीज बाय 10%, ठीक है, उसका रेडियस कितना डिक्रीज किया है 10%, और हाइट जो है उसको कितना इंक्रीज किया है 20%, तो आपको बताना उसका वॉल्यूम क्या हुआ। देखिए इसमें कितना, एक बार देखिए, एक बार 10 कम हुआ, एक बार 20 कम, एक बार 10 कम हुआ, एक बार 20 बढ़ा हुआ, ठीक है। तो समझिए अगर ये इसका त्रिज्या R1 मानते हैं और ऊंचाई को क्या H1 मानते हैं, इसको मानते हैं R2, इसको क्या मानते हम लोग H2 मानते हैं, ठीक है। तो समझिएगा थोड़ा सा, अगर इसको चलिए 10 मानते हैं, इसको 10 मान लेते हैं हम लोग, तो 10 कम हुआ मतलब कितना हो गया 9, अगर इसको भी चलो हम लोग यहाँ पे 10 मानते हैं और कितना इंक्रीज किया है 20 बढ़ाने, कितना हो गया आप लोग के 12 हो गया। तो क्वेश्चन से ये पूछा गया था, मतलब इसका होता क्या पाई आर स्क्वायर एच, इसका भी होता है पाई आर स्क्वायर एच, ये 1 1 दीजिए, ठीक है। तो पाई पाई कैंसिल, आर का स्क्वायर, देखिए आर का स्क्वायर इट मीन्स 10 गुना 10, और एच कितना है 10, या कितना आर का स्क्वायर 9 गुना 9, एच कितना है 12। तो अगर यहाँ पे मैं समझिएगा, अगर 10 गुना 10 गुना 10 करेंगे तो ये आप लोग का कितना आ जाएगा 1000, और 9 गुना 9 गुना 12 करेंगे तो 9 9 12 कितना 9 7 2, कितने का अंतर आ गया यहाँ पे, यहाँ पे अंतर आ गया 28 का, आउट ऑफ कितना में 1000 में, तो 100 में कितना 00 कैंसिल 00 कैंसिल, कितना आ गया 2.8% का डिक्रीज होगा। इट मीन्स ऑप्शन नंबर कौन सा यहाँ पे आ जाएगा आप लोग का बी, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्वेश्चन को, ठीक है। चलिए आते हैं अगला क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 7 में, देखिए 7 को समझिएगा ध्यान से, ठीक है। 7 में क्या बताया गया है, अच्छा क्वेश्चन है और इजी क्वेश्चन है, कि 7 में लिखा गया है क्या कि 20% वृद्धि होने पर चीनी खपत में, थोड़ा हिंदी से थोड़ा मिस्टेक टाइपिंग हो गया, चीनी खपत में कितने प्रतिशत कटौती की जाए। देखिए क्या बताया गया, द प्राइस ऑफ शुगर इज इंक्रीज 20%, तो बाय व्हाट प्रतिशत मस्ट बी वन कट डाउन द ऑफ शुगर सो एक्स्ट्रा अमाउंट हैज इनकर्ड ऑन शुगर। देखिए ये क्वेश्चन आपको है किस तरह प्रभाव का, मतलब चीनी के रेट में 20% बढ़ गया तो उसे खपत में कितना प्रतिशत कम करें, मतलब एक साइड बढ़ रहे दूसरा साइड कम करने बोल रहे हैं। तो हम बताएं तो प्रतिशत का सबसे पहला क्लास में कि हिंदी में अगर बात की तो क्या होता है प्रभाव, ठीक है, बट्टा 100 प्लस माइनस प्रभाव, ठीक है, और गुना कितना करना है 100। तो 20 का क्या हुआ, देखिए यहाँ से 20 का वृद्धि हुआ है, तो 20 बट्टा 120 गुना 100, कितने टाइम में 6 बार 6 का आधा 3 और 100 का आधा 50, तो 50 बट्टा 3 काटिए 16 पुरना 2/3 का इंक्रीज या फिर क्या डिक्रीज करना, मतलब 16 पुरना 2/3, देखिए ये ऑप्शन है, ठीक है, 16 पुरना 2/3%। देख क्वेश्चन को ध्यान रखिए, बहुत ज़्यादा रिपीट होता है क्वेश्चन, क्या कि अगर एक साइड से वृद्धि हो रहा है, ठीक है, और दूसरा साइड कमी करने बोल रहा है, तो क्या करने आ रही वृद्धि और कमी करने बोल रहा है, तो हमको क्या पता है प्रभाव लगाना आप लोग का, जो क्वेश्चन में डाटा देगा 100 बढ़ाने बोलेगा तो प्लस, घटाने बोले तो माइनस, फिर से क्या करना आप लोग को प्रभाव, गुना कितना करना है 100, ठीक है। ये डाटा को बस ध्यान रखिए, अगर ये डाटा पे क्वेश्चन आप लोग का यहाँ पे आएगा। चलिए आते हैं अगला क्वेश्चन में, अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 का, ठीक है, 8 को समझिएगा ध्यान से, 8 में क्या बताया गया है, देखिए द पॉपुलेशन ऑफ ए सिटी इंक्रीज 30% फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड डिक्रीज 15%, अब उसके बाद वहाँ बचा हुआ 11,050,
तो बताइए 2 साल के पहले क्या था। देखिए बहुत इजी क्वेश्चन पूछा गया था, समझिए अगर बैठा हुए अभी इसका पास एक्स है तो 30 का इंक्रीज हुआ है तो कितना हो जाएगा 130/100 हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद क्या हुआ 15 कम हुआ, कितना कम हो गया उसके बाद आगे जाके 15 कम हुआ, अगर 15 कम हुआ कितना हो जाएगा 85/100, तो ये हो गया कितना 11000, कितना हो गया 50। तो यहाँ समझिएगा सबसे पहले 1 0 0 कैंसिल हो गया, 5 से काटे 20 बार में और 5 से काटे कितना बार इसको 17 बार में, ठीक है। और अगर जाइए 17 से काटिएगा सीधा 17 से कट जाएगा कितना 650 बार में, ठीक है। और 13 से काटिएगा 13 5 65 कितना बार में ये 50 बार में, यानी 5 × 10 = 1, हाँ 5 × 10 = 1, 2 × 3 = 1 कितना हो जाएगा 1 × 3 = 1 कितना ये 10,000। ऑप्शन नंबर कौन सा जाएगा आप लोगों का डी जाएगा, ठीक है। ये प्रतिशत का क्वेश्चन था, बहुत इजी क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। ये प्रतिशत के क्लास में आप लोग ये क्वेश्चन भी करवाएंगे। आते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 को अगर बैठ आपको कोई क्वेश्चन आपको दिखने में प्रॉब्लम हो रहा है, ठीक है, तो आप लोग नीचे कॉमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बताया गया ध्यान दीजिएगा, क्या कि 25 लीटर का ये मिश्रण है जिसमें 30% स्पीड और बाकी उसमें वाटर है, ठीक है। अगर 5 लीटर और हम वाटर डाल दें तो अब नया मिश्रण बताइए, जो 5 वाटर डाले अब नया मिश्रण जो बचा हुआ था उसमें स्पीड का मात्रा क्या हुआ, ठीक है। देखिए समझिएगा कुल 25 लीटर का है, 25 है, इसमें 2 डाटर दिए हुए, ठीक है। एक तो बताया कि 30% इसमें 30% स्पीड है और बाकी क्या है वाटर है। अगर 30% स्पीड है यहाँ पे समझिएगा 30% तो वाटर 70% हो जाएगा। तो देखिए अगर हम 25 का निकालते 30% तो मेरा 25 का 30% कितना 25 का 30%, तो मेरे को कितना हो जाएगा 25 का 30 यानी 7.5 लीटर हो जाएगा। 25 का अगर हम निकालते 30% तो ये हो जाएगा कितना 7.5 लीटर, ठीक है। और 7 निकालते कितना 17 कितना हो जाएगा ये 5 हो जाएगा। क्वेश्चन क्या बोला कि वाटर मिलाइए चले 5, अगर 5 मिला देते 17 5 कितना 22 कितना हो गया ये 5। तो अब पूछा स्पीड कितना हो, देखिए पहले 25 था और 5 मिला दिए तो कुल डाटा मेरा कितना हो गया, कुल डाटा मेरा 30 हो गया। तो 7 5 था डाटा कुल हो गया 30 हो गया, ठीक है। पूछा गुना, तो गुना कितना 100, कि पॉइंट कुल नीचे 0 2 0 कैंसिल 2 0 कैंसिल 3 से काटे कितना 25 और कितना 25%। आया बात समझ, ये भी क्वेश्चन आपको वही सीट का ही क्वेश्चन था, ठीक है। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन में, ठीक क्वेश्चन नंबर 9 को देखिएगा, ठीक है, ध्यान से देखिएगा 9 को, बहुत अच्छा क्वेश्चन 9 का भी। 9 में क्या बताया गया है, सॉरी 9 नहीं 10 होगा, ठीक है। 10 में क्या बताया गया है, हिंदी में थोड़ा प्रॉब्लम आ गया क्वेश्चन में, ठीक है। अगर आप लोगों को दिक्कत हो रहा है तो कमेंट कीजिएगा, क्वेश्चन को हम इंग्लिश में कन्वर्ट करवाएंगे, हिंदी दोनों में। देखिए क्वेश्चन क्या है, इन स्कूल 4% ऑफ स्टूडेंट डिड नॉट अपीयर, एक स्कूल में जो है 4% नहीं गया, मतलब 4% स्टूडेंट नहीं गया, 10% स्टूडेंट जो है सो उन लोग क्या अपीयर फॉर द एग्जाम, उन एग्जाम में अपीयर नहीं हुआ, ठीक है। आउट ऑफ रिमेनिंग 50% डिरेक्शन मार्क्स लाया, ठीक है, 432 स्टूडेंट पास हो गया। तो टोटल स्टूडेंट क्या आता है, देखिए इसको आप दो तरह से मान सकते हैं, एक या फिर 100 मार्क बना लीजिए या फिर एक्स मान लीजिए। चलिए एक्स मानते हैं, थोड़ा इजी हो जाएगा, कुछ लोग दिक्कत आता है लेकिन ये देखिए इजी क्वेश्चन है, समझे। तो ज्यादा इजी क्वेश्चन ज्यादा शॉर्ट मत कीजिए। देखिए हम मान लेते हैं क्या था, स्टूडेंट की संख्या एक्स मान लेते हैं, क्या था एक्स, अगर एक्स था तो 4% नहीं गया, अगर 100 में 4 नहीं गया तो गया कितना गया होगा 96 गया होगा, 96/100 कितना किया हम लोग 100 गुना, फिर 10% क्या एग्जाम में अपीयर नहीं होता, 90 तो हुआ होगा ना, तो 90/100 कितना 100, 50%। अब इतना में जो ये अपने आप में 100 बन गया, ठीक है। अब इतना 50% जो मार्क्स, उन लोग कितना मार्क्स लाए, 50% जो सिर्फ पासिंग हुआ है, मतलब कुछ थोड़ा मार्क्स लाया, तो 50 तो मेरा सही होगा, 50/100, ये कुल मिलाकर स्टूडेंट बच्चा कितना मेरा 400 कितना 32। तो टोटल सोल्व कर दिए तो एक्स का मान है कितना जानते हैं, 432 532 500 1000 के लगभग, मतलब 1000 के लमसम में ये आ जाएगा, बस इसको आप सोल्व कर लीजिएगा, ठीक है, ये डाटा को। आते अगला क्वेश्चन में, ठीक है। देखिए अगला जो क्वेश्चन है, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अच्छा खासा रिपीट भी करता है। एक परीक्षा में अनीता जो 31% नंबर लाया और उस सब, देखिए ये है असफल हो गए, ठीक है, असफल हो गए। एक और लड़का था उस, सॉरी 31% लाई और 16 नंबर से फेल हो गए, ठीक है। एक और लड़का उस 40% नंबर लाया, 40% लाया पासिंग से 56 ज्यादा है। देखिए इन एग्जामिनेशन अनीता स्कोर 31% फेल बाय 16 नंबर से, सुनीता स्कोर 40% फेल बाय कितना 56 नंबर से। आपको बताना है मिनिमम पासिंग मार्क्स क्या है, मिनिमम पासिंग मार्क्स, ठीक है। तो पासिंग के लिए समझिएगा, अगर एक स्टूडेंट लाते 31% कितना 31%, अगर हम उसको कितना नंबर देते हैं, अगर चलिए उसको हम 16 नंबर देते तो पास हो जाएगा। एक और स्टूडेंट है
वो लाता है 40%, जो पास है उसको माइनस करते 56, तो ये भी क्या हो जाएगा, ये भी पास हुआ। देख क्या पता है, समझिएगा, 31 लाता है 16 फेल होता है, पास करवा दिए, ये भी पासिंग हो गया। देखिए ये भी पासिंग है और ये भी क्या है, पासिंग है। चलिए कैटेगरी सेम करते, तो 31 माइनस 40% बराबर माइनस 56 प्लस माइनस कितना हो जाएगा, ये 16, ठीक है। 31 में 40 गया तो माइनस 9% बराबर 56 में 16 गया, 56 16 ने कितना, माइनस 72, माइनस माइनस कैंसल, 9 बराबर 72, तो 1% बताइएगा, तो 72/9 गुना। आपसे पूछा टोटल मार्क्स, अगर पूछा जाता तो 100 से गुना करते, ठीक है। हमसे टोटल नहीं पूछा, बस पासिंग पूछा, पासिंग मेरा बस यही है। तो 31% प्लस 16 नंबर, तो इसको निकाले पहले गुना 31 करके, ठीक है। तो 9 8 72 8, तो यहाँ पे समझिएगा, तो 9 8 72 8, तो 8 एकम 8, 8 एकम 8, अरे कितना कर दिया, 24, यानी कितना गए, 248 नंबर आ गया, 248 प्लस ये 16 नंबर, चलिए प्लस 16 ये दे देते हैं, ठीक है। तो कितना हो गया, 264 मार्क्स, ये पासिंग मार्क्स, कितना 264। देखिए समझिए, बहुत इजी क्वेश्चन है, एग्जाम में बहुत बार रिपीट भी किया ये क्वेश्चन, हम प्रतिशत का लेक्चर में आपको करवाएंगे क्वेश्चन पर बेसिक से। बस ये ध्यान रखिए डाटा, देखिए आप अगर इसमें भी पुट करते तो आपको आंसर वही देगा, क्या 72/9 × 40 और माइनस 56 करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए आते हैं अगला क्वेश्चन में, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है। देखिए 12 में क्या बताया गया, ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 12 में क्या लिखा हुआ है, इंग्लिश वाले ही पढ़ते हैं। क्वेश्चन 12 में कि द रेडियस ऑफ ए सर्कल, ठीक है, द रेडियस ऑफ ए सर्कल मतलब कहने मतलब क्या, एक वृत्त की त्रिज्या 11% कमी हो जाती है तो उसके एरिया में क्या प्रभाव पड़ेगा। एक वृत्त की त्रिज्या है उसमें 11% का कमी हो गया तो बताइए उसका एरिया में क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए त्रिज्या में 11% कमी हो रहा है, ठीक है, तो एरिया में क्या, तो त्रिज्या क्या होता है, पाई आर का स्क्वायर होता है, यानी पाई गुना आर गुना आर होता है, मतलब 11% के कितना बार डिक्रीज हो रहा है जी, 11% करके 2 बार डिक्रीज हो रहा है, तो लगाइए सक्सेसिव इनक्रीज और सक्सेसिव डिक्रीज का फॉर्मूला। तो क्या बताए थे, एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटा 100, लेकिन डाटा आपको ये चेक करना है माइनस या प्लस में जा रहा है, तो माइनस में, तो माइनस 11 फिर माइनस 11 माइनस माइनस प्लस 11 × 11/100, तो माइनस 11 माइनस 11 कितना हो जाए, माइनस कितना हो जाए, यहाँ पे माइनस आप लोग कितना हो जाए, यहाँ पे 22 प्लस 11 121, यानी 1.2। तो अगर 22 में अगर 1.2 घटा दीजिएगा तो मेरे को नहीं आ जाएगा कितना, 20.29, कितना 20.29 का क्या डिक्रीज होने, क्या कमी हो जाना, ऑप्शन नंबर कितना, ये देखिए। इस टाइप के क्वेश्चन हम पहले भी करवाए हैं, और इस टाइप के क्वेश्चन को अगर आपको 2-3 और देखना है तो प्रतिशत का पहला लेक्चर में आप ये क्वेश्चन देख दें, जो परसेंटेज वो पहला लेक्चर बताए हैं, हम आपको इसी पे पूरा क्वेश्चन में मतलब पूरा क्वेश्चन इसी पे एनालाइज किए, ठीक है। चलिए आते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 में, देखिए क्वेश्चन 13 में क्या बताया गया है, ध्यान से देखिएगा। देखिए अनु स्पेंड 68% ऑफ हर इनकम इफ मंथली इनकम इंक्रीज बाय 20% और मंथली सेविंग 9%, बताना को प्रतिशत इंक्रीज हर मंथली एक्सपेंडिचर। देखिए अन्नू का जो इनकम है, चलिए अन्नू का इनकम मानते हैं 100 रुपये है, ठीक है, वो जो खर्च करती है और 100 रुपया में 68 रुपया खर्च करती है, तो बचत कितना, सेविंग जो करती कितना, तो 32 रुपये सेविंग करती, मतलब अब क्या हुआ, इनकम में देखिए 20 बढ़ गया, अब इनकम इसका 120 रुपये हो गया, लेकिन खर्च, लेकिन ये सेविंग में जो है सो कितना प्रतिशत बढ़ाया, सेविंग 9%, तो 32 का 9 निकालिएगा, तो 32 का अगर 9% हम लोग निकालते हैं तो 2.88 आएगा, 2.88, तो 2. ये 32 का 9 निकालेगा, 2.88 आ गया, तो 2.88 इंक्रीज हो गया, मतलब 32 और 2.88 मतलब 34.88 हो गया। देखिए ये इसका इनकम 100 रुपया खर्चा करे, बचत करे इतना, तो दोनों का जो डिफरेंस आ गया, खर्चा आ गया, तो इन लोग जो खर्चा कितना, 85 रुपया 12 पैसा आ गया। क्वेश्चन पूछा बताइए ये इनकम जो देख रहे हैं ये वाला, ये कितने का इंक्रीज हुआ है, ठीक है, ये इंक्रीज कितने का है, तो 68 से 85 लगभग 17 का इंक्रीज हुआ है, और तो कितना में, 68 में, तो 100 में कितना, तो 17 से काटिए 5 बार में, 5 से कितना बार काटिएगा आप लोग का, ये 25, मतलब 25% लिए आप लोग का ये आएगा, ठीक है। तो आया बात समझ में, ये भी क्वेश्चन लेक्चर का ही है, तो क्या बताए, 100 माने 68 खर्चा किया, 32 रुपये बचाया, 20 रुपये बढ़ गया, इधर 9% बढ़ा, तो 34 रुपये 88 पैसा हो गया,
132 में 34-88 खर्चे करिए तो 85 रुपये का, सॉरी बचत करिए तो 85 खर्चा करिए, 68 रुपया में इसका 85-12 रुपया का 68 से 85-12 बढ़ा, लगभग 17 का बढ़ा, कितना 68 में, तो 100 में कितना 25%। ठीक है, चलिए आपने अगला क्वेश्चन में देखिए, अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन में 14 का, ठीक है देखिए समझिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्या लिखा गया क्वेश्चन में, क्या कि बाय व्हाट नंबर मस्ट बी गिवेन, नंबर बी मल्टीपल इंक्रीज द नंबर बाय 25%। देखिए ये भी सीजीएल का एक क्वेश्चन, बहुत अच्छा ईजी क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, बस प्रतिशत का कोई ज्यादा कैलकुलेशन क्वेश्चन नहीं दिया गया। अच्छा क्वेश्चन है कि क्वेश्चन दी गई संख्या में 25% बढ़ाने के लिए कौन सा संख्या से गुना करना पड़ेगा। देखिए इसको ऑप्शन से बनाइए, बहुत अच्छा बनेगा। देखिए अगर 100 रुपये का चीज है और 25 बढ़ाने पर, मतलब आपको 125 रुपये पास जाना है, तो 100 को बताए किससे हम गुना कर दे 125 आ जाए। अच्छा 3/5 से करें तो, अगर 3/5 से 3/4 से करते आएगा क्या, चलिए देख लेते हैं, 3/4 से करते, 4 से 25 75, देखिए नहीं आएगा, पहला ऑप्शन नहीं है। और चलिए 100 रुपया को अगर हम 5/4 से गुना करते, 5/ कितना से गुना करते, इसको 5/4 से गुना करते हैं, 5/4 से, तो 4 से 25 125, हाँ आ गया 125, मतलब किससे गुना किए, 5/4 से। संख्या था 25% बढ़ाना था, हम मान लिए 100 रुपया, अब 100 रुपया जैसे ही माने 25 बढ़ाना था, हम 125 कर दिए। अगर 125 किए थे किससे गुना करने बोला, तो 100 का 3/4 से गुना किए, ऑप्शन नहीं आए, तो 100 को 5/4 से गुना किए तो मेरा आगे कितना 125। ठीक है, चले आते हैं अगला क्वेश्चन में। देखिए अगला क्वेश्चन जो है आप लोग के लिए क्वेश्चन नंबर 15 का, देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन क्या है, रवि लाया एग्जाम में 72%, ठीक है 72% लाया, 72% लाया और वो स्कोर किया 360 नंबर, तो बताना है आपको बताया टोटल इन द एग्जामिनेशन की मार्क्स, तो टोटल मार्क्स क्या है। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, टोटल मान लेते हैं 100% का एग्जाम होता, कितना होता है 100 में, वो लड़का ला रहा है 72%, 72% में 72 ला रहा है, नंबर में 300 कितना नंबर ला रहा है, 60 नंबर, समझिएगा 22 बराबर 360। एक का बात कीजिए, अगर हम लोग एक का बात करते हैं, ध्यान से यहाँ पर देखिएगा, देखिए 22 बराबर 360, अगर एक बराबर बात कीजिएगा तो 360/72, ठीक है, गुना गुना कितना लोग निकालना है, देखिए अगर टोटल पूछा गुना कितना करेंगे हम लोग यहाँ पे 100, तो 72/50 कितना बराबर 5 5 गुना 100, कितना 5 गुना 100 मतलब कितना 500, मतलब कितना होगा ये, ऑप्शन नंबर कौन सा डी। चलिए आते अगला क्वेश्चन, देखिए इजी क्वेश्चन था, क्वेश्चन ये था कि 72% 360, तो 100 बराबर कितना, ठीक है तो 72/360 1/360 मतलब 72 गुना क्या किए हम लोग 100 किए। ठीक है, चलिए आते हैं अगला क्वेश्चन, देखिए ध्यान से यहाँ पे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17 क्या बताया गया है, 17 में बताया गया है क्या कि क्वेश्चन जो दिया हुआ है, स्किप हुआ क्या क्वेश्चन, एक सेकंड वेट कीजिएगा, ये था आप लोग कितना नंबर था 15, ठीक है ये कौन सा है 17, अच्छा एक क्वेश्चन स्किप हो गया, हम उसमें आप लोग बताएंगे। ठीक है, ठीक है चलिए देखिए क्वेश्चन 17 में क्या बताया गया है कि द प्राइस कुकिंग ऑयल इंक्रीज बाय 25%, ठीक है कितना 25%, हाउ फाइंड बाय हाउ मच प्रतिशत ए फैमिली मस्ट रिडक्ट इन कंपनसेशन इन ऑर्डर टू मेंटेन द सेम बजट। देखिए फिर से वही प्रभाव वाला क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन क्या बोला कि एक, देखिए किसी शब्द की खाना पकाने का जो 25% दाम बढ़ गया, ठीक है समझिएगा 25% दाम बढ़ गया, लेकिन वो अपना जो खर्चा पे कोई असर नहीं करना चाहता, ठीक है तो बताइए उसको कम कितना करना पड़ेगा खाना, मतलब ऐसे समझिए कि चीनी का रेट में 25% बढ़ गया, ठीक है मतलब 1 किलो चीनी के रेट में 25% बढ़ गया, लेकिन वो क्या चाह रहा है कि हम चीनी का जो मेरा दाम बढ़ा हुआ है हम वही दाम में चीनी लेना चाहते, तो उसको चीनी कम मिलेगा, तो कितना प्रतिशत कम मिलेगा। देखिए वही क्वेश्चन पहले बताए थे, फिर से रिपीट किया, क्या प्रभाव वाला, ठीक है हम बताएं थे आप लोग का क्या करना है, प्रभाव क्या करना है आप लोग को, प्रभाव बट्टा 100, अगर बढ़ेगा तो प्लस घटेगा तो माइनस, फिर क्या बताए थे फिर से वही प्रभाव वाला। ठीक है तो देखिए समझिएगा यहाँ पे, तो क्वेश्चन यहाँ पे आप लोग के जो दिया आया है कि 25% वृद्धि हुआ, ठीक है तो 25/ कितना करेंगे यहाँ पे 125, और गुना कितना करेंगे 100, तो 25 से काटे कितना बार में 5, 5 से काटे कितना बार में 20%, मतलब कितना हो जाए आप लोग का यहाँ पे आंसर 20%, मतलब कितना हो जाएगा 20%। देखिए ये भी क्वेश्चन था आपको सेम वही क्वेश्चन जैसे पहले वाला क्वेश्चन था, ठीक है एक क्वेश्चन जो यहाँ पर स्किप हुआ है वो भी क्वेश्चन, चलिए हम आपको यहाँ नीचे समझा दे रहे हैं, सिर्फ एक क्वेश्चन यहाँ मेरा स्किप हो गया है।
देखिए जो क्वेश्चन स्किप हुआ समझिए क्या स्किप हुआ, ठीक है। क्वेश्चन क्या था मेरे को नहीं बता रहे हैं, क्वेश्चन ऐसा था कि जैसे एक बताए थे ना कि आप लोग को सक्सेस इंक्रीज और सक्सेस डिक्रीज हुआ, एकदम वैसा ही क्वेश्चन था। क्वेश्चन था कि एक आयत है, एक आयत में क्या हुआ उसका जानते हैं, एल को 20 कम किया और बी को भी मतलब लंबाई को भी 20 कम किया और चौड़ाई को भी 20% कम किया, मतलब दोनों साइड में इसको 20% का क्या किया इन लोग का, एक का 20 और एक का 15 डिक्रीज किया। तो कौन फॉर्मूला लगा देंगे हम लोग, वही लगा देंगे एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई और बटा एक्स वाई बटा कितना 100। यानी आपको ये देख लेना कि माइनस वाला है प्लस वाला है, दोनों यहाँ माइनस वाला आएगा। ये भी क्वेश्चन आपको हम यहाँ पर पहले बताए थे। तो यहाँ पे जो हम लोग ये सारा कंप्लीट किए हैं, ये सारा क्वेश्चन जो आप लोग के लिए है, ये क्वेश्चन था आप लोग का एसएससी सीजीएल 2019 का पूछा हुआ ऑल परसेंटेज क्वेश्चन, ठीक है। अभी तक जितने भी क्वेश्चन एसएससी सीजीएल में पूछे प्रतिशत का, सबका यहाँ पे आप लोग का एनालिसिस हम करवा दिए। अब यहाँ पे जो हम लोग चलेंगे आगे, ठीक है, जो नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे, यहाँ पे हम लोग क्या देखेंगे कि अगला क्लास में कि प्रतिशत कंप्लीट हो गया, अब यहाँ पे हम प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। चलिए आज के लिए हम इतने रखते हैं, अगला क्लास में मिलते हैं प्रॉफिट लॉस के साथ, ठीक है। चलिए ओके।